हाँ, ये तो थोड़ा डिप्रेशन तो था ही। हाँ। सपना जब टूटता है तो 2-4-6 महीने में डिप्रेशन होता है। सपना सिर्फ मेरा ही नहीं था, मेरे परिवार का भी था। सबसे मतलब मेरी मम्मी जो थी बहुत ज्यादा डिवोटेड थी कि हमारे बेटा आईएएस बने। उसके लिए वो मतलब कि जो हम लोग यहाँ जो बोल मम बोलते हैं बाबा धाम, तो सुल्तानगंज से और जो बाबा धाम तक वो दंड मार के जाते हैं। दंड मार के मतलब लेट के? लेट के। अच्छा। 105 किलोमीटर। मेरी मम्मी औरत होते हुए जिसको भोजपुरी बोलते हैं, आईएएस की गाड़ी जब इस एनएस से गुजरती थी तो मम्मी ऐसे प्रणाम करती थी। आईएएस की गाड़ी को भी लोग प्रणाम करते थे। जब हम 18 घंटा बैठ के पढ़ सकते हैं तो ये हमारे लिए कुछ भी नहीं। जैसे सब लोग जाते हैं, जिस सब लोगों का जो सफर होता है, हम मुखर्जी नगर सपना लेके चले गए। समझ सकते हैं कि एक उम्र खर्च किया जाता है आईएएस बनने के पीछे। क्वालिटी दिखाता हूँ और ये फिल्टर होके ये ऑयल आ रहा है। क्लियरिटी देख सकते हैं इसमें कितना क्लियर है। पर डे कितना निकाल देते हैं आप? हमारी क्रशिंग कैपेसिटी 500 लीटर की है। 500 लीटर पर डे। 200 लीटर का काउंटर सेल है यहाँ पे। यहाँ से? हाँ, काउंटर सेल। हाँ। सुबह शाम आप कभी भी आके चेक कर सकते हैं। हाँ। और मार्केट में जहाँ भी हमारा जाता है तो उनका बोतल जाता है। पर डे आप 500 लीटर? हाँ, हमारा मशीन कंट्रोल नाइट में भी चल रहा है। तेल निकाल सकते? बिल्कुल बिल्कुल। दिन रात चला रहे हैं, 500 लीटर पर दे क्योंकि हम नहीं भर फिर भी नहीं। माल नहीं बच नहीं रहा है। 1.25 करोड़ रुपए लगा है। 1.25 करोड़ रुपए। अभी कितना का टर्नओवर होगा आपका? मान के चलिए कि लगभग 80-90 लाख का टर्नओवर। 80-90 लाख यानी करोड़ टच करने वाले हैं आप टर्नओवर में। और ये मात्र 1 से 1.5 सालों में ये रिजल्ट है। से ये कार्टून पैक होके जाता है आपका और इस तरह का ये ब्रांडिंग करते हैं। ये 15 लीटर में है। ये होटल वगैरह वाले लेते हैं, ये जिसकी लंबी जिसका बल्क में यूज है वो 15 लीटर। इस तरह का आपको मार्केट में मिल जाएगा। और ये मुकुंदम देखें, ब्रांडिंग हुआ, बड़े ब्रांड को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह पाउच पैकिंग भी होता है इनका। 10 लाख में 900-800 लोग सफल होते हैं और उन्हीं की कहानी आप सुन पाते हैं जो भी न्यूज चैनल में। लेकिन आज वो उससे सफलता नहीं मिलने वाले एक एस्पिरेंट की कहानी जो आप मिसाल कायम कर चुके हैं, हम आज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना अगर नहीं होता तो शायद कहानी कुछ और होती। भगवान को क्या मंजूर होता वो हमको पता नहीं। कैसा लग रहा है आपको? मजा आ रहा है ये फैक्ट्री चला के? आपको लग रहा है कि भाई नहीं हुआ तो अच्छा हुआ, या हो गया रहता तो ये नहीं करना पड़ता? क्या सोचते हैं? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वापस से एक नए वीडियो में। आपने देखा होगा बिहार में जब आईएएस का रिजल्ट निकला था तो तरह तरह के टॉपर के अलग अलग सारे इंटरव्यूज दिखाए जा रहे थे और सारे टॉपर के दिखाने भी चाहिए भाई, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन कभी कोई ऐसा चैनल नहीं दिखाता है जो आईएएस एस्पिरेंट, जो आईएएस यूपीएससी में सफलता नहीं मिलने के बाद वो लोग क्या करते हैं उसके बारे में कभी कोई नहीं दिखाता। आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे आईएएस एस्पिरेंट की कहानी दिखाने वाला हूं जो यूपीएससी में सफलता नहीं मिलने के बाद हार नहीं मानी और आज ब्रांड बिहार बन चुके हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक फैक्ट्री में लेकर पहुंचा हूं। आप देखेंगे मुकुंदम जो कच्ची घानी सरसों तेल की कंपनी है और ये आज ब्रांड बिहार बन चुका है, बिहार में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। और इनकी कहानी काफ़ी मज़ेदार है, आप सुनेंगे तो आपको ये काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि एक यूपीएससी का एस्पिरेंट जो तैयारी करता है शुरू से, एक सपने आईएएस बनने की सपना लेकर चल रहा होता है और जब सफलता नहीं मिलती है तो बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, गाँव वापस आते हैं और फिर बेरोजगारी का जीवन जीना पड़ता है। लेकिन आज ये यूपीएससी में सफलता नहीं मिलने के बाद आज बड़ी कंपनी शुरू कर चुके हैं और अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। दीनबंधु सहाय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और हम चाहेंगे कि अपनी पूरी कहानी आप बताएं ताकि वैसे लोग भी मोटिवेट हों। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई जो टॉपर की कहानी तो रोज लोग देखते हैं और सारे मीडिया चैनल टॉपर्स के पीछे ही भागते हैं, लेकिन जो सफलता नहीं मिलने के बाद जो आपने मिसाल कायम की, आपने जो अपनी कंपनी खड़ी की, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे और आपकी फैक्ट्री हम देखना चाहेंगे कैसे काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मुकुंदम इनका ब्रांड है और ये सरसों तेल जैसे देख सकते हैं, ये 5 लीटर में आता है जी। ये 15-20 लीटर में आता होगा और 1 लीटर का बोतल और फिर पाउच वगैरह पैकिंग, सब तरह का पैकिंग होता है। थोड़ा सा अपना परिचय दें उसके बाद हम लोग फैक्ट्री में चलते हैं। मेरा नाम दीनबंधु सहाय है, मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पीजी किए हैं और उसके बाद से हमने मुखर्जी नगर में यूपीएससी का तैयारी किया था। यूपीएससी का तैयारी मतलब करते हुए हमने 2016, 2017, 2018 का अटैम्प्ट दिया, हमारा नहीं हो पाया। कब से तैयारी कर रहे थे? मैं तैयारी तो लगभग मतलब कि 2015 में हमारा 15 से हम लोग गए थे मुखर्जी नगर में, उसके बाद से हमने वहाँ तैयारी शुरू की। 2015 में गए थे, लगभग 7-8 साल आप तैयारी किए जी जी। और उसके बाद से? उसके बाद से हमारा जब कितना बार एग्जाम दिया? 3 बार एग्जाम दिए। बंधु सर थोड़ा सा हम आपकी बैक जर्नी जानना चाहेंगे, आपकी पुरानी कहानी जानना चाहेंगे। जो आप आईएएस एस्पिरेंट, जैसे हर एक बिहारी का सपना होता है भाई कि हम आईएएस बने और सबसे ज्यादा आईएएस बिहार के ही लोग बनते हैं, तो उस तरह का सपना आपका भी रहा होगा?
सपना सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे परिवार का भी था। सबसे मतलब मेरी मम्मी जो थी बहुत ज्यादा डिवोटेड थी कि हमारे बेटा आईएएस बने, उसके लिए वो मतलब कि जो हम लोग यहाँ जो बोल मम बोलते हैं बाबा धाम, तो सुल्तानगंज से और जो बाबा धाम तक वो दंड मार के जाते हैं। दंड मार के मतलब लेट के? लेट के 105 किलोमीटर। मेरी मम्मी औरत होते हुए जिसको भोजपुरी बोलते हैं, उसके साथ हम भी दंड मारे हैं ताकि मैं आईएएस बन सकूं। आईएएस की गाड़ी जब इस एनएस से गुजरती थी तो मम्मी ऐसे प्रणाम करती। आईएएस की जो कोई गाड़ी से जाते थे उसको ऐसे मम्मी प्रणाम करती। तो बचपन से ही हम मतलब ये था कि हमको भी आईएएस बनना है, इसी सपना लेके हमने 10th पास किया। घरवालों का इतना वो था कि भाई आईएएस की गाड़ी को भी लोग प्रणाम करते थे। हम बहुत अच्छे थे पढ़ने में, मैथ्स भी मेरा अच्छा था, साइंस भी अच्छा था, लेकिन घर वालों के प्रेशर की वजह से मैंने आर्ट्स लिया कि हमको आईएएस बनना है। आर्ट्स से मैंने इंटर किया, उसके बाद से बीएचयू का मैंने एंट्रेंस दिया, वहाँ आर्ट्स फैकल्टी में मेरा एडमिशन हो गया। इकोनॉमिक्स ऑनर्स हमने किया, फिर पीजी किया। पीजी के बाद हम जैसे सब लोग जाते हैं, जिस सब लोगों का जो सफ़र होता है, हम मुखर्जी नगर सपना लेके चले गए, वहाँ तैयारी करना शुरू किए। तैयारी करने के बाद जी तोड़ कोशिश हमने की। कितने साल तक तैयारी की है? हमने 4 साल तक तैयारी की। 4 साल, 2-3 अटैम्प्ट भी हमने दिए, लेकिन सफलता हमको हाथ नहीं लगी। मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब कि हम वहाँ 100 बच्चे जाते हैं, परसेंटेज बहुत कम। ये तो कंपटीशन है, कंपटीशन बॉर्डर लाइन नहीं है कि इसको क्रॉस कर लेना है। 10 लाख अगर बच्चे बैठते हैं तो 900-800 का रिजल्ट होता है। तो यही बात है, मतलब जिस 10 लाख में 900-800 लोग सफल होते हैं, और उन्हीं की कहानी आप सुन पाते हैं जो भी न्यूज चैनल में। लेकिन आज वो उससे सफलता नहीं मिलने वाले एक एस्पिरेंट की कहानी जो आप मिसाल कायम कर चुके हैं, हम आज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनका ब्रांड है, आप देखें थोड़ा सा इधर आ जाए, ये मुकुंदम नाम से ये कार्टून पैक होके जाता है आपका, और इस तरह का ये ब्रांडिंग करते हैं। ये 15 लीटर में है, ये होटल वगैरह वाले लेते हैं, ये जिसकी लंबी बल्क में यूज है वो 15 लीटर। इस तरह का आपको मार्केट में मिल जाएगा। और ये मुकुंदम देखें, ब्रांडिंग हुआ, बड़े ब्रांड को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह पाउच पैकिंग भी होता है इनका, पूरा फैक्ट्री में हम लोग दिखाएंगे कि कैसे काम होता है, कैसे मेल पैकिंग होता है, कैसे फेराई होता है, पूरा डिटेल बात करेंगे उसके बारे में। तो वहाँ से कब आप वापस आए दिल्ली से? वो कोरोना में, कोरोना काल। कोरोना अगर नहीं होता तो शायद कहानी कुछ और होती, वो भगवान को क्या मंजूर होता वो हमको पता नहीं। कोरोना नहीं होता तो अभी भी तैयारी कर रहे? बिल्कुल बिल्कुल 100% अभी वहीं पे होते, बेशक होना ना होना तो ऊपर वाले की बात है। कोरोना में ऐसा बन गया कि हमको आना पड़ा, तो हम लोग जब यहाँ आए तो अगर नॉर्मली आप देखेंगे कोई भी आईएएस एस्पिरेंट है वो अगर असफल हो जाता है तो या तो कहीं जॉब करेगा या फिर कोचिंग इंडस्ट्री उसके लिए खुली होती है। जो सफल नहीं होता है, आप समझ सकते हैं कि एक उम्र खर्च किया जाता है आईएएस बनने के पीछे, तो वो जब नहीं सफल होते हैं, उम्र भी खत्म हो जाती है, कहीं के लायक नहीं होते हैं, और अगर कुछ लोग उसमें से कोचिंग इंस्टीट्यूट चालू कर लेते हैं, कुछ लोग बिजनेस कर लेते हैं, और एक बहुत बड़ी संख्या अपने गांव वापस आती है और बेरोजगारों की गिनती में फिर से भूल मिल जाते हैं कि भाई ये बेरोजगार हैं, या कहीं प्राइवेट नौकरी करना पड़ता है, या कहीं टीचर की नौकरी। और टीचर की सैलरी कोई बुरा ना माने भाई, टीचर हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब में टीचर की बहुत कम सैलरी होती है, उतना सैलरी नहीं होता है कि जो एक आईएएस का सपना देखने वाला अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सके, उतना नहीं होता। लेकिन आप उसमें से एक अलग हैं जिन्होंने आप अलग लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं और अपने लिए रोजगार भी खड़ा किया। तो ये लॉकडाउन में आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट सब कुछ बंद हो गया, तब वहाँ से आए? तब मैंने वो थोड़ा सा हम ये जानना चाहते हैं कैसे आपके अंदर ख्याल आया, कैसे परिवर्तन हुआ कि भाई जो कलेक्टर बनने का सपना लिए हुए जो लड़का आज घूम रहा है, पढ़ाई कर रहा है, वो सीधे उद्यमी बन जाता है, एंटरप्रेन्योर बन जाता है, वो कैसे हृदय परिवर्तन हुआ, कैसे दिमाग में ये चेंजिंग आई? देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब आप कुछ कर, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैसे आया मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम वहाँ से आए तो थोड़ा डिप्रेशन तो था ही। सपना जब टूटता है तो 2-4-6 महीने में डिप्रेशन होता है। हमारी जो फैमिली बैकग्राउंड है, पापा जी सर्विस में थे, लेकिन हमारे मामा लोग सब लोग एंटरप्रेन्योर, हमारे बड़े वाले मामा जी का फैक्ट्री है वो दिल्ली में, उनके अंडर में भी 200 वर्कर है, तो पोटेंशियल हम में था, शुरू से ही फर्स्ट क्लास स्टूडेंट रहे थे। तो एक ऑप्शन मेरे पास था कि मैं लेक्चररशिप ज्वाइन करूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी पीजी था, नेट मेरा क्वालिफाई था, तो मैं जीआरएफ करके या फिर पीएचडी करके पीजी ज्वाइन करता, तो आईएएस की बात अलग होती है, आईएएस बन गए तो 10 वो लोग जान जाएंगे। लेकिन घर का सपना था कि कुछ करे तो बड़ा करे, तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठाने का जो प्लान है वो मेरा नहीं था, हमारे मामा जी लोग का था कि नहीं तुम कर सकते हो, कुछ बड़ा करो।
तो उन लोगों का कंसेप्ट था कि तुम ये करो, और कोरोना में चूंकि जो भी मार्केट था डंप था, तो लोकल पे लोग वोकल कर रहे थे, लोकल वोकल का नारा मोदी जी ने दिया था, और जो खाद्य से रिलेटेड जो फूड आइटम था उसका मार्केट बहुत अच्छा था, तो उस पर ये कंसेप्ट था। तो उस समय लगा कि हमारी डिमांड आएगा मार्केट, बिल्कुल ये लोकल चीजें लोग खरीद रहे हैं, तो लोकल में अगर ये चलाएंगे तो हो जाएगा। थोड़ा सा कैसे काम होता है हम ये देखना चाहेंगे। अभी तक कितने लोगों को रोजगार दिया आपने? मतलब फैक्ट्री में तो मान के चलिए कि अभी आपको दिखेगा कि कितने लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। मार्केट में भी हमारे मार्केटिंग के लिए भी रखे हैं, तो कमो बेश मान के चलिए कि 20-25 आदमी अभी हमसे मतलब डायरेक्ट जुड़े हैं। डायरेक्ट तो अलग लोग, और इनडायरेक्ट जो सेल कर रहे हैं वो भी हमसे बेनिफिट हो रहे हैं, तो इस तरह की बातें हैं। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि काम कैसे होता है, ये कच्ची कहानी है, कैसे काम होता है, थोड़ा शुरू से प्रोसेस बताएंगे फैक्ट्री में, ताकि जो लोग इस तरह के उद्योग लगाना चाहते हैं उनको भी कुछ आइडिया मिल सके। ये जैसे कच्ची कहानी का मतलब होता है कि मैं मैक्सिमम सरसों के तेल के बोतल पे मैंने देखा है यहाँ पे कच्ची कहानी लिखा होता है मैक्सिमम बोतलों पे। ये कच्ची कहानी का मतलब क्या होता है? कच्ची कहानी का मतलब कि लो टेम्परेचर पे जो मस्टर्ड क्रस होता है उसको कच्ची कहानी बोलते हैं। जैसे ये इसमें आप हाथ लगा सकते हैं। अच्छा, मतलब हीट नहीं है? नहीं है। तो ये तेल जो इससे बन के निकलेगा वो नुकसानदायक नहीं? नुकसानदायक नहीं। वही एक्सपेलर में जब क्रस होता उस है मशीन में, उसमें तो उसमें हीट होके निकलता है। ये गर्म हो जाता है, तेल गर्म होके फिर ठंडा होता है। तो इसमें इसका क्वालिटी है मतलब कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इसमें क्षय नहीं होता है, वो उसका नुकसान नहीं होता, वो बच गया। इस सब चीजों का आइडिया कैसे आया आपको? मैंने ये सब कैसे जानकारी मिली आपने? रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D होता है, कोई भी आप प्लांट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा बहुत हमने मतलब एक हम ये जानना चाहते हैं एक IAS एस्पिरेंट जिसने इसके बारे में कभी सोचा नहीं था, वो कैसे आज बता पा रहा है कि इसमें क्या क्या खराबी होती है, क्या फायदे होते हैं? जैसे देखिए सर, नॉलेज लेने की जो प्रोसेस है वो वहीं से जब हम 18 घंटा बैठ के पढ़ सकते हैं तो ये हमारे लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो आप हमारे अभी भी हमारे स्टडी रूम में चलिए, गोपालगंज में बहुत कम ऐसी फैमिली होगी जिसके हिंदू आता हो, हिंदू पेपर की मैं बात करता हूँ, अगर सुबह उठ के मैं हिंदू ना देखूँ तो हमारा खाना नहीं पचेगा। आज भी। अच्छा, हिंदू पेपर जो होता है मतलब नॉर्मली अगर हमको हिंदू ना मिले और चाय लाल चाय हमको ना मिले लीकर वाला बिना चीनी का, तो हमको खाना नहीं पचने वाला, वही आदत बस आदत। सुबह हम रात में कितने बजे भी सोए 5 बजे उठना है हमको, तो ये वहाँ का देन है। हम लोग का जो मस्टर्ड है, जो सरसों है, वो भरतपुर से आता है, भरतपुर राजस्थान से। राजस्थान से। लोकल में ना, लोकल में नहीं मिलता है? नहीं, लोकल में सरसों मिलता है लेकिन लोकल के भरोसे फैक्ट्री नहीं चलेगी। लोकल में कभी मिलेगा कभी नहीं। ये राजस्थान से ले आने में कॉस्टिंग भी तो बढ़ जाती होगी? कॉस्टिंग तो भैया बढ़ता है लेकिन मान लीजिए तेल भी तो राजस्थान से ही आता है यहाँ पे। अच्छा, तेल कोई यहाँ तो बनाता नहीं है, तो कॉस्टिंग, कोई तेल भी मंगाएगा तो ट्रक से मंगाएगा, हम मस्टर्ड मंगाते हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा इसमें कोई ये समझने वाली बात नहीं। तो ये रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल है जो नॉर्मल सा ये बोरा देख रहे हैं, ये लोकल है, और वो जो ये लोकल है और वो जूट वाली जगह वो बाहर का गोदाम हमारा सामने है, यहाँ थोड़ा बहुत आता है, क्रॉस होगा फिर डेली आता जाता है। यहाँ से सरसों आ गया? हाँ, सरसों आएगा, सरसों इसमें डलेगा। सरसों को कुछ क्लीन भी करना पड़ता है? जो राजस्थान का सरसों आता है उसको क्लीन करने की जरूरत नहीं है, जो लोकल सरसों है उसको क्लीनिंग करवाते हैं, मैनुअली क्लीन होता है, और हमारे पास क्लीनर भी है। अच्छा, मोटर लगी हुई है, क्लीन हो जाता है। ये 20 किलो पर दोना, 80 किलो का एक घानी चलेगा। अच्छा, 45 मिनट ये चलेगा, क्रश करेगा, तेल आएगा बाहर चला जाएगा, इसके जो इसमें से बुरादा आएगा बाहर आएगा वो जाएगा हमारे एक्सपेलर में, एक्सपेलर चलेगी और इधर आ जाए। जो इससे क्रश होने के बाद, जैसे ये लगभग क्रश हो चुका है, इसको निकालिए ना, क्रश होने के बाद बंद करके निकालिए, इसको दिखाइए थोड़ा सा। ये हाँ, इसमें से तेल जितना निकलना था निकल गया? नहीं, अभी निकलेगा, अभी थोड़ा सा अभी चलेगा। जो इसमें क्रश हो रहा है बूंद बूंद करके नीचे उसमें आ रहा है ऑयल, और वहाँ से सीधे जाते हुए वो टैंक में, जो नीचे स्टोरेज टैंक है उस टैंक में जा रहा है, वहाँ से कहाँ जाता है? और वहाँ से वो पंप के थ्रू ऑटोमेटिक पाइप से हमारा फिल्टर, पाइप से आके इसमें फिल्टर में आ जाएगा। यहाँ पे दिखाएं, अब तो वहाँ पे लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ा सा क्लीन बढ़िया नहीं है, या तेल कैसा आ रहा है कैसा नहीं, क्लीनिंग का लोग समझ रहे होंगे। तो ये कितना लेयर फिल्टर है आप देख सकते हैं, ये पूरा लेयर लगा हुआ है यहाँ पे, ये पार्ट पार्ट सब 18 लेयर है फिल्टर, 18 था। आप ये मैं क्वालिटी दिखाता हूँ, और ये फिल्टर होके ये ऑयल आ रहा है, एक मिनट, और आप इसको देख लीजिए, ये ऐसे डाल दिया आपने, फिल्टर होने, ये फिल्टर होके ऑयल आ रहा है ना, क्लियरिटी देख सकते हैं इसमें कितना क्लियर है,
थोड़ा सा भी डस्ट नहीं होगा या थोड़ा सा भी सरसों का कोई पार्टिकल नहीं होगा, बिल्कुल 0.1% और यहाँ से स्टोर इसमें स्टोर होता है, ये फाइनल स्टोरेज टैंक, फाइनल स्टोरेज, यहाँ से फिर पाइपिंग के थ्रू सब पाइपिंग लगा हुआ है। कैसे पैक करते हैं, थोड़ा सा पैक करके दिखाएंगे। और अच्छा ये वेट भी करते हैं इसको, कैसे पता कि कितना एक बोतल में कितना होता है? 9 से 10 ग्राम, 9 से 10 ग्राम प्लस बोतल का भी ये वेट करते हैं। अच्छा पूरा बोतल 9 से 10 या 9 से 20 ग्राम का ही होता है। कहीं गिरेगा नहीं, इसमें लीक नहीं होगा, उल्टा करके दिखाइए, लीक नहीं होगा, ये पूरा सील हो गया, फिर स्टिकर लग जाएगा और ये ब्रांडिंग होके मार्केट में जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसका इस तरह कार्टून में पैक होता है और ये बड़ा जो होटल वगैरह में जो सप्लाई होता है वो ये इस तरह और टीन में भी पैक होता है। और इस पर देख सकते हैं इनकी कंपनी सहाय एडिबल ऑयल मिल और यहाँ पे गोपालगंज बिहार और कस्टमर केयर नंबर ये पूरा, और इसमें पूरा फसाई लाइसेंस इनका रजिस्टर्ड है सब कुछ। और ये प्रोडक्ट मार्केट में जाने के लिए तैयार है। जो बड़े ब्रांड का आपने पैकेट देखा होगा, बड़ी बड़ी कंपनियाँ फॉर्च्यून हो गया या अलग अलग जो भी कंपनियों को जानते होंगे, पैकेजिंग उससे थोड़ा भी डिफरेंस नहीं है। और ये बड़े ब्रांड को अब टक्कर दे रहे हैं बिहार में रख के। और तरह तरह का कितने तरह के प्रोडक्ट में पैक करते हैं, कितने तरह की वैरायटी पैक करते हैं, जैसे एक को ये हो गया, ये पाउच हो गया, 1 लीटर हो गया, आधा लीटर हो गया, 5 लीटर हो गया, 15 लीटर, छोटा वाला भी पैक करते हैं अभी नहीं। एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा प्रीमियम प्रोडक्ट है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है मार्केट में, तो 200 ग्राम का कस्टमर नहीं है, तो कोई भी आएगा मार्केट में कैसा रिस्पांस? बहुत अच्छा रिस्पांस है मार्केट में, मतलब एक बार भी कोई तेल लेके गया। ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन है ये? जी बिल्कुल। इसमें कैसे पैक होता है? ये तो ऑटोमेटिक है, यहाँ स्टोरेज टैंक है, मशीन स्विच करेंगे फटाफट पैक। अच्छा पैक हो के अपने आप हटके निकलेगा, पाउच पैकिंग मशीन है। इस तरह के दूध वगैरह पैकिंग में या पानी वगैरह पैकिंग में इस तरह के मशीन यूज होते हैं। मार्केट में क्या रिस्पॉन्स है? मार्केट में हमारा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। अब ये जो ये हमारा जो फैक्ट्री आप देख रहे हैं, ये ट्रायल बेस्ड फैक्ट्री है। स्टार्टिंग में जो भी दिन हो गया चलाते हुए आपको? हमको साल डेढ़ साल। जिसको मतलब कि जब हम कोई भी प्लांट लगता है तो इनक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है प्लांट लगाने के लिए। तो हम बड़ा प्लांट लगा के इनक्यूबेशन पीरियड का कॉस्ट हम नहीं झेल सकते थे, तो छोटा डाल के हमने इनक्यूबेशन पीरियड झेल लिया। अब हम बड़ा शिफ्ट करेंगे तो हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कितना इन्वेस्ट कर दिया आपने टोटल अभी तक? अब तक 1.25 करोड़ रुपये लगा है। 1.25 करोड़ रुपये, अभी कितना का टर्नओवर होगा आपका? मान के चलिए कि लगभग 80-90 लाख का टर्नओवर। 80-90 लाख यानी करोड़ टच करने वाले हैं आप टर्नओवर में। और ये मात्र 1 से 1.5 सालों में ये रिजल्ट है। और धीरे धीरे अब तो कहाँ कहाँ सप्लाई जा रहा है अभी आपका? पूरे बिहार में दे रहे हैं हम भैया? हम गोपालगंज कवर ने, हमारे पास क्रशिंग कैपेसिटी हमारे पास कम है। हम बोल रहे हैं कि ट्रायल बेस्ड है, मतलब हमारी जो क्रशिंग कैपेसिटी है वो रामनरेश नगर की। मतलब अभी जो आप बता रहे हैं कि 80-90 लाख का टर्नओवर है वो सिर्फ गोपालगंज? गोपालगंज की कुछ ही जगह से, मीरगंज में भी ज्यादा अभी नहीं दे पा रहे हैं। मतलब अभी और टीम बढ़ा सकते हैं और इसमें इन्वेस्ट करेंगे? हम इस पे लगे हुए हैं, हम प्लांट पे लगे हुए हैं, हमने बैंक से भी बात कर ली है, तो हमारा प्लांट 1 साल में हमारा प्लांट मतलब बन के रेडी होगा। मतलब और इसमें लगाया जाए तो स्कोप आपको दिख रहा है कि और भी इसमें डिमांड है? ये सिर्फ अभी आप समझ रहे हैं कि इतना आप जितना बना रहे हैं वो एक छोटा सा मोहल्ले में खपत हो जा रहा है, मोहल्ले में, पूरा गोपालगंज भी नहीं कहेंगे, मोहल्ले में ही खपत हो जा रहा है। पर डे कितना निकाल देते हैं आप? हमारी क्रशिंग कैपेसिटी 500 लीटर की है। 500 लीटर पर डे? 200 लीटर का काउंटर सेल है यहाँ पे, यहाँ से काउंटर सेल। सुबह शाम आप कभी भी आके चेक कर सकते हैं। और मार्केट में जहाँ भी हमारा जाता है तो उनका बोतल जाता है। पर डे आप 500 लीटर? हाँ, हमारा मशीन तब जो नाइट में भी चल रहा है, तेल निकाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दिन रात चला रहे हैं, 500 लीटर पर दे क्योंकि हम नहीं भर, फिर भी माल नहीं बच रहा है। इसको और बड़ा लेवल पे करने जा रहे हैं और बड़ा इसमें स्टोर करेंगे माल। माल मेन आपको रॉ मटेरियल बाहर से मंगाना होगा तो ज्यादा इन्वेस्ट करना होता होगा। बिल्कुल, एक बार वही है मेन मसला है कि एक बार एक ट्रक सरसों आएगी तो, अगर पिछले बार तो हमारा आया था मतलब कि मान के चलिए 24 लाख रुपए एक बार हम यहाँ से डालते हैं तो वहाँ से ट्रक आ जाए। मतलब यहाँ पे सेल का कोई टेंशन नहीं है, सेल भरपूर है, बशर्ते ये और मशीनें और स्टाफ और रॉ मटेरियल बढ़ाएं तो पूरे बिहार पे छा सकते हैं। धीरे धीरे कोशिश जारी है, शुरुआत है। भैया हमारी गोपालगंज की जनसंख्या 31 लाख है। अभी नया जो जनगणना हो रहा है उसमें पता नहीं क्या है। हमको अगर गोपालगंज में ही, हम अगर मुकुंदम सिर्फ गोपालगंज पे ही छा गया तो हमको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, उतना बड़ा हम नहीं। आगे की योजना क्या है? सिर्फ गोपालगंज नहीं, हम पैन इंडिया काम करना चाहते हैं। पैन इंडिया काम करना चाहते हैं, सोच ही यही है। मतलब कि हम कभी भी मतलब छोटा सोच रखे ही नहीं।
तो पैन इंडिया काम करना चाहते हैं आगे भगवान से कुछ मदद मिली अभी? अभी तक हमने लिया नहीं है, मतलब हमको मिल जाएगा, देने के लिए तैयार है हम। बात किया कभी? बिल्कुल बिल्कुल। इंक्यूबेशन पीरियड में लोन का जो इंटरेस्ट है वो नहीं झेल पाते, अगर वो रहता तो शायद बंद करना पड़ता। सब घर से लगा? बिल्कुल। आने वाले दिनों में बिल्कुल बड़ा बड़ा अप्लाई किए हुए हैं। 7 करोड़ का हमारा प्लान है कि 7 करोड़ हमको चाहिए, तो हमारा जो भी है कि 40 जो आप 2 जोड़ा कोलू देख रहे हैं, 40 जोड़ा कोलू चाहिए, 5 पीराई के एक्सपेलर चाहिए, टैंकर चाहिए, जो जो दिस दैट इसमें है वो होना चाहिए। तो ये एक बिहारी की कहानी है भाई। एक आपने देखा होगा बिहार काफ़ी चल, भाई बिहारी जब मन लगा देता है तो कलेक्टर बनता है, और प्यार में धोखा खाने पर जो पहाड़ तोड़ देता है, और यहाँ पे IAS एस्पिरेंट सफलता नहीं मिलने के बाद करोड़ों की फैक्ट्री शुरू करके और कई सारे लोगों को रोजगार दे रहे हैं यहाँ पे, ये कैसा लग रहा है आपको? मजा आ रहा है ये फैक्ट्री चला के? आपको लग रहा है कि भाई नहीं हुआ तो अच्छा हुआ, या हो गया रहता तो ये नहीं करना पड़ता, क्या सोचते हैं? जैसे अब जो बीत गया उसके बारे में सोच नहीं सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि मतलब कि हमको किसी चीज़ का मलाल नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये नहीं है, मतलब अगर हमारा नहीं हुआ तो उसके गम में है तो हम अपने जीवन तो जीना ही पड़ता है। मतलब एक IAS ऑफिसर वाली रुतबा चाहिए था, वो नहीं मिला, फिर भी अफसोस नहीं है? रुतबे के लिए कभी हमने तैयारी नहीं की। सेवा जरूर सपना था कि हम सेवा कर पाए, तो सेवा तो इस माध्यम से भी हो रहा है कि हम प्योरिटी मेंटेन कर रहे हैं। किसी मान लीजिए हमारे 1 लीटर तेल या 5 लीटर तेल खाने से किसी घर में बीमारी नहीं हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल नहीं हो रहा है, फैट नहीं हो रहा, बहुत सारी बीमारी जो केमिकल लोग। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में जो आप बता रहे हैं, मिलावट भी इसमें कुछ होता है अगर पैकिंग करते हैं तो? कुछ केमिकल कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, मतलब कलम के डॉट के बराबर मिलावट नहीं है इसमें, सीधे सरसों के तेल निकाल के पैक कर दिए वो रहा जाता। बस बस, उसमें कुछ और मिलाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, बड़ी बड़ी कंपनियों का तेल जब खोलते हैं तो झाग आता, मतलब एक अलग सा स्मेल आता है जो दिमाग झनझना देता है। मैं मुकुंदम की पहचान बताता हूँ, या मुकुंदम ही नहीं, किसी भी मतलब कि अच्छा जो शुद्ध सरसों का तेल होगा, आप कढ़ाई में या पैन में सरसों का तेल डालिए और जब किचन में ऊपर आँख से देखिएगा तो आँख भर जाएगा, या लगेगा कि बहुत ज़्यादा एसेंस झनझना आ जाता है उसमें स्मेल। आप मुकुंदम डालिए, एक थोड़ा सा भी स्मेल आपको नहीं, स्मेल नहीं आएगा। कोई भी तेल 1 लीटर यूज होता होगा तो मुकुंदम 800 ग्राम यूज होगा। 15 लीटर में 98 किलो पूरी छान सकते हैं। दो अगर कोई दूसरा ब्रांड लीजिए, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, दो अगर मतलब दूसरे ब्रांड मिलावट करते हैं, मिलावट होता है, मैं किसी पार्टिकुलर किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब तेल में मिलावट होती है। देखिए मैं मतलब पर्टिकुलरली किसी को नहीं बोलता हूँ कि मिलावट करते हैं या कि नहीं करते हैं, मैं अपना प्योरिटी मेंटेन करता हूँ, ये पब्लिक देखेगी कि मिलावट है रहा है, हो रहा है। तेल में सरसों के अलावे कुछ भी नहीं। अभी तक आपने डीलरशिप दिया कहीं? नहीं, अभी हम पोजीशन में नहीं है कि डीलरशिप दें, हमारे पास क्रशिंग कैपेसिटी जितना बनाते हैं उतना खपत हो जाता है, डीलरशिप किसको दे, जरूरत ही नहीं। अगर डीलरशिप देते हैं तो हमारा कॉस्ट मतलब कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कम होगा, मतलब हमको रेट कम करके देना होगा, हमारे पास है नहीं देखा। हम तो चाह रहे हैं कि मतलब कि और हमारा क्रशिंग कैपेसिटी बढ़े, तो आगे देखा जाएगा, इसमें थोड़ा सा फंड का ये है। देखिए, अगर शुद्ध सरसों जो आप तरह तरह कंपनियों के प्रचार आपने देखा होगा, जो लोग लोकल से वीडियो देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगा, मैं यहाँ का एड्रेस दे दूंगा, पीछे दिखाएं थोड़ा सा, NH 27 के जस्ट बगल में हम लोग हैं, मुकुंदम नाम से इनका ब्रांड है, बोर्ड दिख जाएगा, RR मोड़ गोपालगंज में RR मोड़ के पास हम लोग हैं। यहाँ पे आके आप काउंटर से घर के यूज के लिए भी खरीद सकते हैं? नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल है, मौनिया चौक पे चले जाइए, थाना चौक पे चले जाइए, हॉस्पिटल मोड़, कहीं भी हमको आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी लोग आता है कि नहीं भी हम फैक्ट्री से ही लेंगे तो आ सकते हैं, मतलब यहाँ से भी ले सकते हैं, काउंटर पे भी, मतलब ये थोड़ा सा बाईपास पे है, लोगों को परेशानी हो रहा है, आपके बगल में मुकुंदम अवेलेबल है, किसी भी दुकान में मांगिए मुकुंदम मिलेगा। यूज कर रहे हो अगर तो कमेंट में जरूर बताइए, और इस फैक्ट्री के बारे में आपका क्या रहा है कमेंट में जरूर बताइए, और IAS एस्पिरेंट के बारे में गारंटी है भैया, अगर 1 महीना मुकुंदम खाते हैं तो आपको, बहुत सारे लोग गैस से परेशान, सबको गैस है, आप मटन खा रहे हैं, मटन नेचुरल है, उसमें जीरा मरीच सब चीज नेचुरल यूज कर रहे हैं, अननेचुरल कुछ यूज होता है तो सरसों का तेल। आप मुकुंदम खाइए और फर्क आपको दिखेगा। थोड़ा सा आपसे हम लास्ट 2 सवाल करना चाहेंगे, इसमें मतलब इसमें सब बाधाएं क्या आती है इस फैक्ट्री को चलाने में? इंक्यूबेशन पीरियड स्टार्टिंग में, मान लीजिए कि अभी तो हम जैसे बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग में सेल नहीं रहता है, कोई क्यों खाए मुकुंदम? मैं पहले मार्केटिंग करने जाता था तो लोग बोलते थे कि नहीं 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 चाहिए, सब लोग मिला के बेचते हैं, आप कहीं से मंगा के पैक करते होंगे, लेकिन एक होता है ना कि आप जज्बा जो UPSC मतलब मुखर्जी नगर से लेके आएंगे, नहीं लीजिए भैया, मतलब अपनी पहचान बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, टाइम लगता है, ट्रस्ट लेने, बस वही। तो ये हो गया, और दूसरा इसमें रॉ मटेरियल का आपने जो बताया कि लोकल में अवेलेबल, स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमको दिक्कत हुआ था, हम लोकल पे ही डिपेंड थे, स्टार्टिंग में हमने 50-60 टन माल खरीदा था, लेकिन जब नहीं मिला तो हम
अच्छा, सावधानियाँ क्या बरतनी चाहिए इसमें, इस फैक्ट्री को अगर चला रहे हैं तो? साफ सफाई की, एक तो खाने की चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं हम लोगों को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करना है, और अगर आप ठान लेते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कौन सी चाहिए आपको? फसाई लाइसेंस चाहिए, हम तो प्राइवेट लिमिटेड हैं, तो प्राइवेट लिमिटेड के लिए जो इधर दिखाएं, सहाय एडिबल ऑयल प्राइवेट लिमिटेड है इनका, और फसाई लाइसेंस भी है इनका, फसाई नंबर भी आपको दिख जाएगा किसी न किसी प्रोडक्ट पे। और क्या क्या माना इसमें, और कुछ अगर जो शुरू करना चाहता है वो कैसे लोग शुरू कर सकते हैं इस तरह? सबसे पहले तो ये पानी वगैरह भी टेस्ट होता है आपका, एग्रीमेंट वगैरह चाहिए जहाँ है, अगर आपका है तो उसका खाता केसरा नंबर चाहिए, और आप रेंट में हैं तो एग्रीमेंट वगैरह चाहिए फसाई के लिए, फिर वहाँ उनका सर्वे आता है, सर्वे करके सब कुछ मिल जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। मिनिमम बजट में अगर शुरू करना चाहें इस तरह की फैक्ट्री, कम से कम कितना में शुरुआत हो सकती है? अगर कोल्हू से शुरू करना चाहते हैं और ब्रांडिंग करना चाहते हैं, कोल्हू का ही मार्केट और में पाउच वगैरह लाना चाहते हैं, कोल्हू का ही मार्केट में डिमांड है, अगर शुरू करते हैं तो कोल्हू से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसका लोगों के अंदर एक अलग सा नजरिया हो जाता है, कच्ची घानी ही लोग ज़्यादा प्रेफर करता है, तो मिनिमम कितना में शुरू कर सकता है भैया? मैं कम से कम 50 लाख रुपये अगर पॉकेट में हो तो शुरू करें, वरना ना करें। मतलब मैं ऐसे बोल दूँ कि आप कर लें और पछताए, मैं तो फेयर बात करता हूँ। स्कोप बहुत है, बहुत स्कोप है, हर घर, मतलब मान लीजिए कि आप अपना कस्बा ही मेंटेन करेंगे तो बहुत है, आपका बिकेगा माल, प्रोडक्ट बिकेगा ना बिकने का सवाल ही नहीं। काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, काफ़ी अच्छा लगा आपके फैक्ट्री को देख के। ऐसे जज्बे के लिए आप क्या सोच रहे हैं अपने दिमाग में, आपके क्या चल रहा है, कमेंट के जरूर बताइए, और ऐसे लोगों से मोटिवेशन मुझे लगता है आपको मिला होगा। बहुत सारे लोग असफलता पाने के बाद से दूसरा रुख अपना लेते हैं, हताश हो जाते हैं, बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे लोग गलत रास्तों पर चले जाते हैं, लेकिन इन्होंने मिसाल कायम की, ब्रांड बिहार बनने के राह पे चल चुके हैं, और बहुत जल्द पूरे बिहार में छाएंगे, पैन इंडिया पे काम करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, अपनी राह में कमेंट जरूर दें, और आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।